हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैमिली गोल्स। आज मोनी मेरे लिए कुछ लेने जा रही है गाइस। मेरे नाक का मैं बता रही हूँ ना, मेरे नाक का टूट गया है। लॉन्ग क्या बोलते हैं यहाँ पे, दिल्ली में कोका बोलते हैं, कोका। हाँ मम्मी, अभी बता रही है मोनी ने आपको। तो गाइस मैं खाना बना रही हूँ दोपहर का, और मोनी और मम्मी जा रही है मेरे नाक का, उसका पेच उसी में टूट गया है। या तो उसी को पेच लगवा लेंगी, अगर नहीं निकल पाएगा तो दूसरा लेके आएंगी। गाइस मम्मी के लिए नया पर्स मोनी के भैया मंगवाए हैं, तो मम्मी उसमें उलझ जा रही करें कि इसमें क्या डालूं। फोन पूछा रही, हम फोन आपका पीछे चार्ज में लगाई हूँ, निकालिए मोनी। तो मम्मी को समझा दी कि इसमें फोन रखना, इसमें पैसे। हाँ। बड़ा लटका के। बड़ा नहीं, छोटा भी हो जाएगा मम्मी, छोटा कर दीजिए मोनी। इतना पकड़ दूँ क्या? उलझन होने, मम्मी को वही वाला ज्यादा अच्छा पड़ता था जो ब्लैक वाला छोटा सा था। फोन आपका बड़ा हो गया ना, इसलिए उसको नहीं ले जा पाती। नहीं ठीक है यार, फोन अपने जेब में रखा करिए। फोन जेब में कवर वाइज चढ़वाना है। उधर से महेश्वरी वाले के यहाँ चले जाइएगा, चढ़वा के आ जाइएगा। सीफोरी अगर जाएंगे तो लेके जाएंगे, टेम्पर चढ़वाना है, मम्मी के स्पीकर भी ठीक करवाना है, फोन का सब कुछ करना। जाने के बाद कुछ नहीं हो पाएगा भाई, तब टाइम इतनी रात में सब लोग जाते हैं। मेरे को अपना भी थोड़ा सा पढ़ना है। नहीं इतनी रात को जाती हो, ये केवी वालों की, इतनी रात को तुम लोग जाते हो ना, तो वहाँ कुछ हो ही नहीं पाता। घड़ी आज तक नहीं बन पाई। केवी वालों की बुक चेंज हो गई, बहुत ज्यादा छोटा कर दी मुनी। नहीं ठीक है मम्मी, इतनी अच्छी होता ना, केवी वालों की बुक चेंज हो गई, सिलेबस पूरा चेंज हो गया। गवर्नमेंट वालों का अलग हो गया, केवी वालों के एकदम इस सब बुक चेंज हो गई है, और पूरे पैराग्राफ पैराग्राफ राइटिंग भरी है। अच्छा चलो कोई नहीं, अब वो समझो फिर उन्हें समझाओ, फिर उसमें केवी वालों को बदल गया, तो इसकी लड़की का भी बदला होगा, दुकान सबका बदल गया। मोना को 10वीं में गई, तो 9th वालों की चेंज हुई है। 10th का पता नहीं सीबीएसई का ना हुआ, लेकिन 9th का हुआ है। 6 7 जब तक आप लोग आएंगे तब तक दाल चावल बन जाएगा। चल गाइज, मैं आज बना रही हूँ चना उड़द दाल का, दाल फ्राई बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी। लहसुन प्याज तो डालना नहीं है, तो बस टमाटर कट कर रही हूँ, जीरा हींग का तड़का दूंगी और दाल फ्राई मसाले वगैरह डाल के दाल फ्राई कर दूंगी। तो मेरा तेल गर्म हो रहा है अभी, और मोनी मम्मी गई मार्केट। अद्दू क्या कर रही हो? अध्ययन गाइज, अध्ययन खेलने के लिए, पढ़ाई जल्दी जल्दी कर लेगा, इसके बाद नीचे चला जाएगा खेलने, उसके दोस्त इंतजार कर रहे होते हैं। और अद्दू अभी पढ़ाई कर रही है। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है चना उड़द की दाल फ्राई चावल। गाइस दाल फ्राई हो गई है, तो मैं सब रख दे रही हूँ। चावल पहले से मैं धो के रखी थी, तो 15-20 मिनट पहले धुल के रख दो तो चावल मुलायम बनता, मतलब नरम बनता, खाने में अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा दाल चावल एक ही साथ धो के रख देती हूँ, दाल चढ़ा देती हूँ, चावल रख देती हूँ, जब दाल हो जाती है फिर चावल। मेरा ये तो मैं तैयार होगा, तब तक मैं बर्तन धो लूँगी जो नाश्ता के बर्तन पड़े हुए हैं।
यहाँ बर्तन में पहले से टोकरी में बर्तन पड़े हुए थे मजे हुए, तो पहले वो सूख गए थे तो पहले मैं उनको रख दी उनके जगह पे। इसके बाद फिर बर्तन धुल के उसमें रखूँगी, क्योंकि उन्हीं बर्तन में अगर इसको मैं रख देती तो फिर वो सूखे बर्तन भी गीले हो जाते। तो पहले मैं सारे बर्तन हटाई हूँ उनकी जगह पे लगाई हूँ, इसके बाद फिर बर्तन धोई हूँ। और अद्दू मुझसे बोलने लगी कि मेरा रायता मन कर रहा खाने का, तो मैं उसको भेज दी थी कि जाओ बूंदी और छाछ ले आओ, दही ले आओ, सब मैं बना देती हूँ रायता। तो अद्दू तो छाछ में ही बूंदी डाल के खाती है, और बाकी सब लोग को थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए होता है तो उसमें दही मैं मिला देती हूँ, तो मेरा रायता तैयार हो जाता है। तो मैं यहाँ बर्तन लगाने के बाद जो नाश्ता के बर्तन चाय वगैरह सब लोग पिए थे, दूध अध्ययन अद्दू पिए थे, तो सारे बर्तन मैं धो दूँगी। अभी मोनी और मम्मी आई हुई नहीं हैं, तब तक मेरा ये सब काम हो जाएगा। इसके बाद फिर वो लोग आ जाएंगी तो हम लोग खाना खाएँगे। आ गई मोनी आ गई और मेरा ये नाक का भी ले आ दी, अच्छा सा नया सा गिफ्ट लाई हूँ, गिफ्ट लाई है। और वो पुराना वाला पेच उसका निकलवा के ले आई, और फिर उसका पेच निकाल रही थी पहनने के लिए, फिर तो उसी में टूट गया। मम्मी उसको फोन करी, भैया कैसा टाइट इतना लगा दिया था कि तुरंत टूट गया। क्योंकि आपके नाक में ना वो भी कह रहा था कि अब नया चाहिए भाई, पुराना बहुत बार पहन चुकी। मेरी नाक बोल रही थी, मैंने नोज रिंग ला रही थी वैसे, पर मेरा भी मन था कि एक बार ट्राई करूं। शादी से पहले पहनती थी, ज्यादा कॉस्टली दे रहे थे वो लोग मेरी। चलो मेरा जो है ना शादी वाला अभी रखा पड़ा, तो मेरा वाला पहन लो, मेरा वाला तो बहुत लाइट है। उस जो मैं लेकर आती हूँ उसमें स्टोन वर्क भी था, थोड़ा सा नीचे से हैवी हो रहा था, 2700 का मैंने। तो मुझे फोन करी होती मैं आपको पेटीएम करती, दोबारा ले लेंगे। मेरा वाला है, वो वाला भी नया का नया प्लान। मेरा वो दाल चावल बन गया है, रायता उसके साथ बना रही हूँ। और आप लोग मेरे पे दो दो है शायद ना, दो तीन है मेरे पे, तो बहुत सारे, मैं तो एक ही भटकी हुई हूँ। क्योंकि एक चला जाता नाक में फिर आलस आता है कि क्या बदले, इसी में रह जाता। मेरा तो इतने दिन से निकला हुआ था, दूसरा पड़ा हुआ था, लेकिन निकाल ही नहीं मैं। हाँ। बोली वही बनवा के लाओ। क्योंकि खोजना पड़ता है, इतनी छोटी छोटी चीजें कहाँ रख जाती है, याद ही नहीं रहता। सही बात है। मम्मी अभी बर्तन मांज रही है और मैं मम्मी को देख रही हूँ। अभी मम्मी ने गैस वगैरह भी साफ किया है और अभी मैं मांज चुकी हूँ, धो रही हूँ, धो रही हूँ। मम्मी मांज चुकी हैं, मैं भी छोटी बच्ची हूँ। अपनी माँ का हेल्प करना चाहिए बचपन से। गाइस नाइन्थ क्लास में मैं बर्तन वर्तन धोंगी, आप लोग बताओ। और हेल्प छोटे मोटे काम नहीं, कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, नाइन्थ तो पढ़ने की उम्र है। बच्ची हूँ अभी मैं, 9th 10th 11th 12th तक। और खाने पीने में बच्ची नहीं रहती है गाइस। देखो भाई, नाइन्थ में मैं 10th के बोर्ड वगैरह भी है ना, 10th में मैं बच्ची होंगी, 11th में फिर 12th की तैयारी होती है, तो 12th में मैं बच्ची हो जाऊंगी, तो मैं बच्ची रहूंगी कॉलेज तक। ठीक है, आपको ही करना है। तो गाइस अपने मम्मी का हेल्प करना चाहिए, बस अद्दू नहीं करना, नहीं करना चाहिए। आप लोग अभी बच्चे हो, छोड़े बच्चे हो, अपने लिए खाना बनाना सीख जाओ, वही बहुत है। जैसे कि मैं बनाती हूँ बहुत कुछ, लेकिन अभी मैं भी नहीं बना रही आजकल। इसका जब मन होता है, अपना खाने का मन होता है, तभी बनाती है, टेस्टी बनाती है। हाँ, वैसे इसके हाथों में है टेस्ट, जादू है जादू। यस, पढ़ाई कर लो। हाँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हम लोगों ने अंदर का सेटअप क्या कर रखा है। ये देखो,
देख रहे हो कितना बिखरा हुआ है सब कुछ। अभी मैंने प्रैक्टिकल फाइल लाई है, मतलब मैं लाई हूँ अभी, मेरे को एक प्रैक्टिकल और लिखना है इसमें। पहले तो हमने बना ही लिया था ये वाला डायग्राम, कितना सुंदर लग रहा है भाई। तो एक प्रैक्टिकल लिख लिया है, अभी एक और लिखना है, बहुत सारा काम है भाई। ट्यूशन भी जाना है, अभी हम मिलते हैं थोड़ी देर में, मम्मी बर्तन वर्तन माँज देगी, फिर हम लोग जाएंगे ट्यूशन। बाय बाय। ट्यूशन कराटे क्लास भी आ जाना है। हाँ अभी 3:32 सिक्स ओ क्लॉक होगा मेरा ट्यूशन, 6:15 ही हो जाते हैं खैर आने आने में, 15 या 6:30 हो जाते हैं कभी कभी, 3 घंटा पढ़ लेते हैं कभी कभी हम ट्यूशन में, मैं मतलब। और उसके बाद फिर 7 बजे मेरे को कराटे जाना होता है भाई, आज तो बहुत काम है। फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस शाम हो गई है और मैं सो गई थी, खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं सो गई थी। मेरे बाल कैसे हो रखे हैं, अब इसको कंघी करूँगी। और बच्चे चले गए थे ट्यूशन, मोनी भी गई हैं, और इसके बाद मैं सो गई। बच्चे अद्दू साढ़े तीन बजे गई और अध्ययन भी 3:30 बजे ही अच्छा लगे, आज छुट्टी था तो जल्दी ये लोग चले गए हैं। इसके बाद मैं सो गई हूँ, जब अध्ययन आया तभी मेरी आँख खुली है, तो अब मैं उठी हूँ, चाय बनाने जा रही हूँ मम्मी के लिए। मम्मी कीर्तन में चली गई थी, नवरात्रि चल रहे थे इसमें हमारी गलियों में कीर्तन बहुत हो रहे हैं, तो मम्मी कीर्तन में गई थी, मम्मी भी आ गई हैं और हस्बैंड भी सोए थे वो भी उठ गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने और अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।